हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन में। एक स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करता हूं डेली बेसिस पे एडवांस में, जिसपे आपको एक मार्केट का टॉप बताने की कोशिश करता हूं, बॉटम बताने की कोशिश करता हूं, और मजे की बात राइटर्स के लिए कि किस रेंज में आप अपना काम कर सकते हो, पैसा बना कि नहीं बना। कल जो मैंने आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लो बनाया था, इन पॉइंट चेक किया, वहीं से मार्केट ने बाउंस बैक दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। मैं एज ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्चर हो सकता है इन लेवल्स के ऊपर मैं खुद भी ट्रेड करूं और अपने क्लाइंटों को भी ट्रेड कराऊं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, डिस्क्लेमर जरूर जाकर चेक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि आपको मैं ये लेवल सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए दे रहा हूँ। अगर आपको ट्रेड करना है तो प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर डिस्कस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कल मैंने आपको बताया था निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर क्या बताया था मेरे दोस्तों, ये जो दो ब्लू लाइन्स मैंने बताई थी 22,047 और 21,870, अगर इसके ऊपर जाएगी तो बाइंग करेंगे, इसके नीचे जाएगी तो सेल करेंगे। तो सेल तो आया नहीं, ठीक है। अब रह गया मार्केट, आज खुला सीधे गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद ट्रेंड देखो इसका नेगेटिव, तो कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। मैंने भले ही बोला था 20,047 के ऊपर, तो ये गैप अप खुल के बाद पहला ही कैंडल रेड बन गया और रेड बनने के बाद लोअर लो बना रहा है, तो कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं मेरे दोस्त। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, ये जो लक्ष्मण रेखा था इसी जगह पे इसने रिस्पेक्ट किया कई बार, काफी टाइम इसी जोन पे आया और आने के बाद फिर इसने क्रैश दिया। तो ये खासियत होती है लक्ष्मण रेखा की, जो लाइन खींच देता हूं ना मेरे दोस्त। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान से समझिएगा वीडियो को, भगा के नहीं, पॉज करके समझिएगा, सीखने की कोशिश करना। चाहता तो मैं एक मिनट में आपको मैं इस वीडियो को भी डाल सकता था, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे लेंथी वीडियो डालता हूँ इसलिए, जिससे कि आप कम से कम 30 दिन मेरे लेवल्स को फॉलो कर सको और सीखने की कोशिश करो, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर अगर जब तक मैं हूं मैं आपको दे दूंगा, नहीं रहा तो आपका कौन फायदा है, इसलिए आप सीखो, अपने पैरों में खड़े हो और उसके बाद मजा ही अलग है। चलिए अब कल की स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। मैं अब ये बीच वाली लाइन हटा देता हूं। So, important क्या है, 22,147 ये रहेगी हमारी कल वेडनेसडे एक्सपायरी। सो 22,147 अवर लक्ष्मण रेखा, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगी देन 10 मिनट कम से कम सस्टेन होना मानता, तो इसके ऊपर हम बिंदास बाइंग करने का सोच सकते हैं। पहला टारगेट होगा 22,270 का, दूसरा टारगेट होगा 22,347 का एंड सेटर लक्स। अब लोअर लेवल की मैं अगर बात करूं सो मेरे दोस्तों, और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर आप यहां पे एंट्री ले रहे हो तो इसका स्टॉप लॉस होगा 21,947 का आपको स्टॉप लॉस होगा, और उसके बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, बात खत्म, राइट। और अगर मैं सेल करने की बात करता हूं तो 21,870 के नीचे बिंदास सेल करेंगे, जो कि यहां पे है 21,870 के नीचे हम लोग यहाँ पे 10 मिनट के बाद सेल करने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट होगा 21,747 का, दूसरा टारगेट होगा 21,547 का, और मार्क कर लेना अगर 747 के नीचे 15 मिनट सस्टेन हो गई तो मेरे को लगता है कि मार्केट में रियल ब्लड बात आपको देखने को मिल सकता है, जो कि 21,547 एंड 21,470 तक का टारगेट होगा। और इसी जोन में यानी कि 21,470 के जोन में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है बाइंग करने का। ये मार्क माय वर्ड, लोअर लेवल पे जो मैं लक्ष्मण रेखा बता रहा हूं आपको, उस जोन पे आपको आए तो बाइंग करने का सोचना है। और अगर मार्केट में वाकई में तूफानी रैली देखनी है तो भाई 22,347 के ऊपर आएगा, देन ओनली वी कैन थिंक फॉर द नेक्स्ट टारगेट 22,847 एंड 22,147 तक का टारगेट होगा। मार्क कर लो मेरी बात और इस वीडियो को सेव कर लेना, मैं बोलूंगा बोला था ना जरूर बोलूंगा मैं आपसे। चलिए स्टार्ट करेंगे, अब बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। सो बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है, कल जो मैंने आपको अपडेट किए थे 46,256, 45,856, इसके नीचे आएगा तो सेल करेंगे, इसके ऊपर आएगा तो बाइंग करने का सोचेंगे। अब देखो कितना ब्यूटीफुली मार्केट इसी रेंज में रहा है, तो जो ऑप्शंस राइटर थे उन्होंने मजा आया कि नहीं प्लीज कमेंट करके बताना। साथ ही साथ में जो मैंने आपको 45,856 का लेवल, मार्केट गिरा लेकिन देखो ऑलमोस्ट इसी जगह पे हमारे लोअर लेवल पे, नॉट एक्जैक्टली टच नहीं हुआ लेकिन हाँ थोड़ा सा ऊपर से मार्केट वापस वहीं से रिवर्स हो गया, तो ये खासियत होती है। मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको लाइव मार्केट के अंदर असिस्टेंस की जरूरत है, क्या आप लाइव मार्केट में किंग रिसर्च को फॉलो करके आप देखना चाहते हो कि मार्केट में करना क्या है, क्या लाइव एनालिसिस सीखना चाहते हो, तो आप कमेंट करके बताना। यस
हैशटैग किंग रिसर्च एनालिसिस करके लिखना, सो दैट मुझे समझ में आएगा कितना लोग चाहते हैं। सो मैं एक प्रोग्राम निकालूंगा आप लोग के, जहां पे लाइव मार्केट के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, और किस तरीके से हम लोग एक एक्सपर्ट किस तरीके से लेवल्स को देखता है वो मैं आपको दिखाऊंगा कल की बात, आज किस तरह से फॉलो करता है लाइव मार्केट के अंदर, उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। अब साथ ही साथ में लाइव मार्केट के अंदर मैं ये एनालिसिस उन्हीं लोगों के साथ करूंगा जिन लोगों ने हमारे साथ अकाउंट ओपन किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, और करने के बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रेफरल लिंक्स मिले हुए गाइस, हो सकता है उससे एक रेमुनरेशन मुझे मिल रहा हो सकता है कि उसमें जो भी आप लोग वहां पे ट्रेड करते हो तो एक छोटा सा पार्ट हमें रेमुनरेशन की तरह मिलता है। तो मैं आपको डिस्क्लेमर दूंगा, आप प्लीज 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 सोचकर समझकर ही उनमें से जो भी आपको सही लगता है वो अकाउंट ओपन करिएगा, और उसमें अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर मैं आपके लिए लाइव आने की कोशिश करूंगा, जहां पे मैं हो सकता है कि मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर अकाउंट ओपनिंग में हो, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जीरोधा फायर्स जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उन्होंने मेरे को बोला हुआ है कि भैया आप हमारे साथ एसोसिएट होकर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो, ठीक है, तो उसमें मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है, तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा मेरी बात को। अब कल की स्ट्रैटेजी सेम है, कोई रिपीट नहीं करूंगा, सेम लेवल आपको क्या करना है 46,000, क्योंकि देखो मार्केट कई बार से कितने टाइम से मार्केट इसी जगह पे, अगर मैं अगर थोड़ा सा पिछला भी जाऊं आप देखो मार्केट ने एक पैनिक एक हाई से पैनिक किया था, जो मैंने आपको सेल करने के लिए पहले बोला था, इसी जगह से मार्केट ने पैनिक किया, बेस बनाया रिटेस्ट, तो कहीं ना कहीं देखो यही एक जोन है जो कि मार्केट 5 तारीख 6 तारीख 7 तारीख से बैक टू बैक 3 डेज से एक जोन में एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे आप ये वॉल्यूम देख सकते हो कि ये वॉल्यूम का भी कुछ ना कुछ मैजिक आ रहा है। जब जब लोअर लेवल पर आ रहा है वॉल्यूम एक्टिवेट हो रहा है, जब जब लोअर लेवल पर आ रहा है वॉल्यूम एक्टिवेट हो रहा है, जब जब लोअर लेवल पर आ रहा है वॉल्यूम एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स है वो चाहते हैं कि मार्केट पर ऊपर जाए, लेकिन उसमें ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि मार्केट में बड़े जो प्लेयर्स है कभी भी फैल जाते हैं, कभी भी लपेट देते हैं। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, इंट्राडे के लिए जो स्ट्रैटेजी है 46,257 के ऊपर का 10 मिनट सस्टेन करेगी, पहला टारगेट होगा 46,856 का, दूसरा टारगेट होगा 47,256 का, और इसी जोन में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है सेल करने की, बात खत्म, यहां पे ढूंढेंगे। लाइव मार्केट में मैं अगर कुछ भी अपर नीचे चेंज होगा तो मैं अपने टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर आप जरूर जुड़ जाइएगा। अगर हमें यहां पर सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, अगर मुझे आपको लगता है कि यहां पर सेल कुछ पैनिक होता है मार्केट में, किसी भी बैड न्यूज की वजह से कुछ नेगेटिव होता है, तो आपको 45,856 का वेट करना चाहिए, इसके नीचे का 10 मिनट सस्टेन करेगी, उसके लोग के नीचे आप बिंदास सेल कर सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा आपका 45,256 का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 44,856 का दूसरा टारगेट हो सकता है, और इसी जोन में यानी कि 256 और 856 जोन में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बाइंग की आपको ढूंढनी है, आंख बंद करके बाइंग नहीं करनी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर कुछ अच्छा सेटअप मिलेगा, आपको कैंडलस्टिक का नॉलेज है प्रॉपर, आपको पता है कि किस तरह की लैंग्वेज है स्टॉक मार्केट की, उस लैंग्वेज में अगर आता है तो आपको करना है, अगर नहीं आता है तो कम एंजॉय हमारे टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप अपना आशीर्वाद दें, वहां पे आप जुड़ जाइए। लाइव मार्केट के अंदर बहुत सारी लर्निंग होती है, एजुकेशन दी जाती है, जिससे कि आप फ्री में बहुत कुछ किंग रिसर्च से बेनिफिट ले सको। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, ये हमारा एल्गो का परफॉर्मेंस है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो छोटा सा जो हमने लाइव जो हमारा हुआ है, सो करीब करीब हमारा जो प्रॉफिट आया आज का मेरे दोस्तों 44,000 रुपीज का प्रॉफिट है, यानी कि 0.36% का इंट्राडे आरओआई है, लेकिन फरवरी मंथ में वी आर इन माइनस ओनली, -2.8% का है, क्योंकि अगर फर्स्ट फैब की बात करूं उस दिन मोटा पैसा ऑप्शन से बन सकता था, लेकिन हमने ट्रेड नहीं किया, उसी दिन हमारा 3.5% का आरओआई बनता था, क्योंकि हमें लगा कि 1 तारीख को हाई वोलेटाइल रहेगा, तो इसलिए हमने एक ही लॉट पे ट्रेड किया था, बाकी सब लॉट पे नहीं किया था, तो वहां पे एक छोटा सा प्रॉफिट तो बना था, लेकिन वो कैलकुलेट नहीं हो पाया, क्योंकि एक लॉट के हिसाब से आप 10 लाख के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, एक लॉट पे कितना, 10 लाख में आपका 1% के हिसाब से 3% के हिसाब से कितना बना, और अगर वही 1 करोड़ होता तो उस पर 3% पे कितना बनता, तो वो हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। एनीवे जो भी है, जो भी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ जो हमारे इस अकाउंट में बना है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन पिछले महीने 10.5% तक का भी ऑल टाइम हाई बनाया था, तो क्या इस बार फैब मंथ में भी ये हमारा रिकॉर्ड तोड़ेगा? तो इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा टारगेट है ज्यादा नहीं, मेरा टारगेट है अगर मंथली हमें 3-4% का अगर आरओआई मिल जाता है हमारी कल की बात आज ऑप्शंस राइटिंग के हिसाब से, तो भैया मैं तो खुश हूं, इसके ऊपर जो भी मिलेगा वो बोनस रहेगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स है, रात को मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, रात को मेरी टीम आपके लिए मेहनत करती है, आपको सिखाने की कोशिश करती है, लॉजिक देने की कोशिश करती है, 16 घंटे पहले
KIOCL, मैंने आपको बताया था, लॉजिक बताया था, लर्निंग दी थी कि भैया ये समथिंग लुकिंग वेरी बिग, इसके पीछे ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, पोजिशनल आप इसको बाइंग कर सकते हो। इंट्राडे में 421 से मेड हाई 498, एक ही दिन के अंदर ये रैली आई है। इसके अलावा अगर हाथवे की बात करूं, हाथवे का भी मैंने 19 दिसंबर को आपको अपडेट किया हुआ है भाई साहब, अबव आप यहाँ पे कमेंट देख लो यार, 22 रुपए के ऊपर आप बिंदास इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोच सकते हो। और अब आप मुझे कमेंट करके बताओ हाथवे कितना चल रहा है, समथिंग लुकिंग वेरी बिग। स्टिल मैं बोल रहा हूँ प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने की कोशिश करना। ये चार्ट देने का पर्पज है आपको लॉजिक समझाने का, कि आपको लॉजिक दो, ज्ञान दो, सीखने की कोशिश करो। किसी को भी टेक्निकल एनालिसिस के लिए 1 रुपया नहीं देना है, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेते हैं हर सैटरडे संडे को। अगर आपको क्लास में ज्वाइन करना है तो मेरे साथ आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिसमें हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है उस अकाउंट ओपनिंग के माध्यम से। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। प्लीज की फॉलो किंग रिसर्च प्रॉपरली, जो कि हमारा चैनल है किंग रिसर्च हैरी। और इंस्टाग्राम में 1 मिनट की लर्निंग अगर सीखना चाहते हो तो 1-1 मिनट 2-2 मिनट में आपको बहुत सारी लर्निंग देती है। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, जय।